दोस्तों बहुत भाई का सवाल होता है कि बजाज विक्रांत बाइक बिना बैटरी का स्टार्ट नहीं होता है। मैं आपको बिना बैटरी का स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ और इसका क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। YouTube चैनल के साथ साथ आप Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देख सकते हैं ये बाइक अभी स्टार्ट है और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर बैटरी है कि नहीं है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है और ये बाइक बिना बैटरी का स्टार्ट हो रहा है। और ये बिना बैटरी का स्टार्ट क्यों होता है ये भी आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्लस वाला तार भी खुला हुआ है, इधर माइनस वाला भी तार खुला हुआ है, फिर भी ये बाइक स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे बजाज डिस्कवर हो या बजाज विक्रांत हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम बाइक है, सेम फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिना बैटरी का भी स्टार्ट होता है, आपका सिर्फ बैटरी चार्जिंग की जो सिस्टम होता है वो सही रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसका वायरिंग कैसे चेक करना है करंट के मामले में, तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि इसका सिस्टम क्या है। इंजन से जो दो वायर निकलता है करंट के लिए, दो ब्लू वायर, वो सीधा डायरेक्ट वहाँ पर चार्जिंग कॉइल में जाता है और चार्जिंग कॉइल से एक वायर लाइटिंग के लिए आता है और एक वायर स्टार्टिंग के लिए आता है। तो लाइटिंग को छोड़ो, स्टार्टिंग के लिए जो वायर आता है वो ये वायर आता है। यानी हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाइक में चार्जिंग की समस्या है तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होगी, अगर चार्जिंग की समस्या नहीं है, चार्जिंग प्रॉपर ठीक से दे रहा है, तो बाइक बिना बैटरी का स्टार्ट होगा हर हाल में, चाहे लाइट जला हुआ रहे या ना रहे। जब भी स्टार्टिंग की समस्या होती है तो आपको ये वायर चेक करना है, जो चार्जिंग कॉइल से जो एक वायर सादे कलर का आता है, ये वाइट कलर का, ये अगर आपका चार्जिंग ठीक दे रहा है तो बाइक स्टार्ट होगी। यहाँ से आपको करंट चेक करना है बॉडी में टच करके, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो बेहतर होगा कि उससे आप चेक करें। अब ये जो सादा वाला वायर है ये दो कनेक्शन करता है, चार्जिंग कॉइल से दो जगह वायर आता है, एक वायर आता है यहाँ लाइटिंग कंट्रोल का जो सिस्टम एक यूनिट होता है इसमें आता है, ये वाला वायर आया हुआ है, देखिए ये वाइट कलर का वायर है ये वाला वायर, और यही वायर यहाँ भी इस कलर का देख सकते हैं, जिस कलर का ये वायर है उसी कलर का इधर भी है, ब्लू और थोड़ा कत्थे टाइप का कलर होता है ये। तो यानी कि समझो जैसा यार हीरो बाइक में मैंने बताया था, होंडा बाइक में मैंने बताया था, सेम वही सब फंक्शन है इन सब बाइक में भी, कुछ भी अलग नहीं होता है, बस समझना थोड़ा मुश्किल होता है हम लोगों को कि यहाँ भी जो सिस्टम है वो चार्जिंग कॉइल से यहाँ पे करंट आया CDI यूनिट में, और CDI यूनिट क्या करता है वो सप्लाई करके ये दो वायर में करंट पैदा करता है, ये दो वायर में करंट पैदा करता है जो ये बोतल कॉइल तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बात होती है, अगर आपका चार्जिंग ठीक है तो बाइक स्टार्ट होगी, चार्जिंग ठीक नहीं है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, मिसिंग करेगी। तो भाई बस इतना ही हमें कहना था, और भी कुछ जानकारी चाहते हैं इस तरह का तो हमें कमेंट कीजिए, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जो कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।